सूबे के मुखिया कमलनाथ ने पुत्र नकुल के साथ पीपला नारायण बान में ली जनसभा, जन सैलाब देख बढ़ा उत्साह। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, बुद्ध वंदना कर अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का सरगना गिरफ्तार, लाखों की बाइक्स हुई बरामद। और ढोल गाजे बाजे के साथ विसर्जन को निकले जवारे, भक्ति की शक्ति के सामने फीकी पड़ी धूप की तपेश। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूँ प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। सीएम कमलनाथ ने आज सौंसर क्षेत्र के पीपला नारायणवार में विशाल जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ ने भी अपने सरल अंदाज में जनता के समक्ष अपनी बात रखी। कि वो मंच के सामने जो खड़े हैं उन लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। इस माननीय कमलनाथ जी का स्वागत के पश्चात वो मंच पर से हट जाए, अपना प्रास्ताविक भाषण उद्बोधन आज इस सभा को संबोधित कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी मैं पूरी श्रद्धा, निष्ठा, मेहनत और प्रेम से निभाऊंगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि आने वाले 29 तारीख को हमारे लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में आ रहे हैं और हमारे किसानों को गुमराह कर रहे हैं, उनसे झूठ बोल रहे हैं, झूठे अफवाहें फैला रहे हैं। वो हमारे किसानों को कह रहे हैं कि कोई कर्जा माफ नहीं होगा और कोई भाव अंतर की राशि नहीं मिलेगी। लेकिन आपको ये जानकारी मैं देना चाहता हूं कि जिस दिन आचार संहिता लगी थी उस दिन तक पूरे मध्य प्रदेश में 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। और अगर हम छिंदवाड़ा जिले की बात करें तो हमारे छिंदवाड़ा जिले में 61,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। और इस मंच से मैं अपने किसान भाइयों को आश्वासन दिलाता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन लोकसभा के चुनाव खत्म होते हैं और आचार संहिता हटती है उसके अगले दिन से ही किसानों का कर्जा माफ और भावांतर की राशि का कार्य चालू होगा। साथियों, अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या बड़े बड़े सपने दिखाए, आपसे क्या बड़े बड़े वायदे किए और एक वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। किसानों को अपनी फसलों के देंगे दुगने दाम उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने हमारे नौजवानों को कहा कि हर साल वे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, उन्होंने हमारे नौजवानों के साथ धोखा किया। उन्होंने कहा कि महंगाई कम करेंगे, आपके सामने है आज डीजल के दाम क्या है, आज पेट्रोल के दाम क्या है। उन्होंने आपसे कहा कि अच्छे दिन आएंगे, खाते खोल लो, काला धन आएगा, आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आए, नहीं आए। तो साथियों, ये बड़े बड़े वायदे और ये झूठ की तस्वीर आपके सामने है। सौंसर के लोगों ने हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी का साथ दिया है और मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आने वाले 29 तारीख को वही प्यार, वही विश्वास मुझे भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी मऊ से आ रहा हूं, बाबा साहब जी के जन्म भूमि से। वहां भी मैंने उनके चरणों को नमन किया और आज मैं शुभकामनाएं आप सबको देना चाहता हूँ। रामनवमी की भी शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ। बहुत पुराना संबंध है आप सबके साथ। यहाँ आके मैं बहुत सारे पुराने चेहरे देखता हूँ। 40 साल पहले
जो मेरे साथी थे जो आज भी यहां हैं, कुछ तो आज यहां नहीं है, पर बहुतों में से आज उनकी उम्र हो गई। उनको देख के मुझे वो समय याद आता है, वही पीपला याद आता है, वही सौंसर क्षेत्र याद आता है जहां से मैंने शुरुआत करी थी। नौजवानों को नहीं पता कि 40 साल पहले पीपला का क्या रोल था। मैं यहां से गुजर रहा था, ये मैं हमेशा पीपला में कहता हूं, रिधोरा और पीपला के बीच से मैं गुजर रहा था और यहां महिलाओं ने मुझे निवेदन किया था, सड़क पर खड़ी थी, निवेदन किया था। मैं रेमनाथ चौड़े जी के साथ था, सौंसर से पांडुरना जा रहा था और महिलाओं ने रात के 9 बजे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे यहां पानी नहीं है, हमारे गांव में कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो मैंने उस समय अपने मन में सोचा, पांडुरना जाने के पहले, पांडुरना पहुंचने के पहले मैंने मन में सोचा, अगर ये समस्या हल करनी है तो मुझे यहां से चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। ये 40 साल पहले की बात है और 40 साल पहले का छिंदवाड़ा राज का, छिंदवाड़ा राज का सौंसर आप सबके सामने, जो आप सबके सामने, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, पर मैंने भी उस समय वचन दिया था कि हम नया इतिहास बनाएंगे, छिंदवाड़ा जिले की एक पहचान बनाएंगे। उस समय कोई बड़ी रेल लाइन की बात नहीं थी, उस समय पांडुरना में एक रेल नहीं रुकती थी, उस समय छिंदवाड़ा शहर में 2 दिन पानी आता था, हमारे बहुत सारे ब्लॉक में कोई सिंचाई सुविधा नहीं थी, लाखों की संख्या में पलायन हो जाता था, वो भी एक छिंदवाड़ा था, हमारा पतालकोट था जहां 3 घंटे नीचे हम पैदल चलते थे, तामिया का पतालकोट। इस पीढ़ी ने नहीं देखा वो छिंदवाड़ा जहां अपने 2000 गांव की जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर थी, केवल 400 गांव में बिजली थी, और वही पतालकोट जहां हम 2 घंटे नीचे पैदल जाया करते थे, जहां के लोगों का संबंध दुनिया से केवल नमक का था, अपने महुआ जंगली आम के पेड़ की गुठली को सुखा के अपना आटा बना लेते थे। हमने अपने वचन पत्र में बहुत सारी चीजें कही थी और 100 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के 50 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया, 22 लाख किसानों का कर्जा अभी तक माफ हो गया। और ये मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कान खोल के सुन ले कि हमारी सरकार कोई घोषणाओं की सरकार नहीं है, शिवराज सिंह की सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में आज कमलनाथ की सरकार है। जो हम कहते हैं, जो हमने वचन दिया है, जो वचन दिया है कि हम हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, केवल डिफॉल्टर का नहीं, जिनका चालू खाता भी है उनका भी हम कर्जा माफ करेंगे। ये गुमराह करने की राजनीति जो करते हैं, जो 15 साल ये करते गए, इससे आप सबको सावधान करते हैं। हमने बिजली की बात कही थी, मैं दोहराना नहीं चाहता, पेंशन की बात कही थी, सामूहिक विवाह की बात कही थी, हमने अपने आदिवासी भाइयों को लिए कहा था, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, पर जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे कृषि क्षेत्र की, आज 70% लोगों का जीवन आधारित है मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र पर। तो आगे का भी एक नया नक्शा बनाना है। मोदी जी तो बहुत सारी बातें करते गए, बहुत सारी बातें, याद है उनके नारे, अब तो नौजवानों को समझ है, याद है उनके नारे, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, सही बात है ना, इनके नारे थे मोदी जी के, आज कोई है यहां मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया वाला? मोदी जी ने तो कहा था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं तो मोदी जी से पूछता हूँ, मोदी जी आप 10 नाम बता दीजिए, 10 नाम बता दीजिए जिनको आपके कारण रोजगार मिला हो, और क्या क्या बात मोदी जी करते थे, शिवराज जी भी क्या क्या बात करते थे, 15 साल सबको गुमराह करते रहे, घोषणाएं करते रहे, जहां आपने किसानों को इतना परेशान किया, पेट में मारी लात, छाती में मारी गोली, और आप खड़े हो क्या कहेंगे, मैं जो किसान का बेटा हूं, ये शिवराज सिंह जी थे, और मोदी जी का क्या कहे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ रहे हैं, किसके अच्छे दिन आए मैं पूछना चाहता हूं,
किसके अच्छे दिन आए? मैं बताता हूँ किसके अच्छे दिन आए। अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आए, जिनके पास एक टू व्हीलर नहीं थी, आज चार चार फोर व्हीलर लेके घूमते हैं, उनके अच्छे दिन आए। ये कितनी कलाकारी। और मैं 15 लाख कितनों से खाता खुलवाया, खाता खोलो 15 लाख रुपए आएंगे। लोगों ने खाता खोला 600 रुपए बैंक में रख के, वो 600 के 500 हो गए, बैंक ने 100 रुपए काट लिए और ये कहते हैं 15 लाख रुपए। नोटबंदी करी, छोटे व्यापारी छोटे व्यवसाय वाले कितने परेशान हुए। नोटबंदी करी, लोगों ने कहा 15 लाख आएगा। माता और बहनें भी परेशान हुई ना। माता और बहनों भी जिन्होंने 10-15 हजार रुपए छिपा के रखे थे, वो छिपा हुआ पैसा भी उनको निकालना पड़ा। सास नाराज हो गई, पति नाराज हो गए, उन्होंने बेटी के शादी के लिए रखा था, कोई बीमार हो जाए उसके लिए जमा करके रखा था, पर था कि 15 लाख आएंगे। 15 लाख तो आएंगे, नोटबंदी हो गई, तरह तरह का टैक्स ले आए, GST ले आए। ये कैसा इन्होंने परेशान किया। मोदी जी जो 6000 रुपए आप साल के भेज रहे हैं, आप अपने पास रख लीजिए। राहुल गांधी जी ने तो 72,000 रुपए का है, 6000 रुपए महीने का है हमारी न्याय योजना में। तो ये कलाकारी आपको समझनी है, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आपको समझनी है, किस तरह ये गुमराह करते हैं, किस तरह ये ध्यान मोड़ते हैं। आज मोदी जी बात नहीं करेंगे, मोदी जी बात नहीं करेंगे नौजवानों की, 2 करोड़ नौजवानों की बात नहीं करेंगे, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात नहीं कर रहे। आज कहते हैं मेरे नीचे देश सुरक्षित है, देश की सुरक्षा की बात कर रहे। अरे मोदी जी, क्या 5 साल पहले देश असुरक्षित था? देश क्या असुरक्षित था 5 साल पहले? सबसे ज्यादा हमला तो तब हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही, मैं संसद में बैठा था, जब आतंकी हमला हुआ, किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। और मोदी जी, जब आपने पजामा और पैंट पहनना भी नहीं सीखा था, तब हमारी फौज बन गई थी, हमारी नेवी बन गई थी, हमारी एयरफोर्स बन गई थी। ये जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने हमारी मिलिट्री एकेडमी बनाई, सैनिक स्कूल बनाए, डिफेंस एकेडमी बनाई, और मोदी जी कहते हैं कि मेरे नीचे देश सुरक्षित है। कैसे, कितने कलाकार हैं हमारे मोदी जी। ये तो आपको समझनी है, ये सब बातें, ये तस्वीर आप सबके सामने है। और मोदी जी ये तो नहीं कहेंगे, आज तो जनता पूछ रही है कि किसान तो बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, जनता पूछे मोदी किस काम के, ये आज जनता पूछ रही है। तो ये सब बातें आप सबके सामने, आज मेरे ऊपर जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है। छिंदवाड़ा जिले की जिम्मेदारी के 2000 गांव की जिम्मेदारी मैंने अपने बेटे नकुललाल को दी, और ये हमें आज एक नई विकास यात्रा शुरू करनी है। 40 साल पहले हमने एक विकास यात्रा शुरू करी थी, और अब एक नई विकास यात्रा शुरू करी, हमारे रोजगार के लिए, सिंचाई सुविधा के लिए, हमारे कृषि क्षेत्र के लिए आज एक नई विकास यात्रा शुरू कर दी। आपने मुझे 40 साल ये बल और शक्ति दी, आपने मुझे 40 साल प्यार और विश्वास दिया, खास करके पीपला ने जो प्यार और विश्वास दिया, जिससे मुझे बल और शक्ति मिली, उस बल और शक्ति से मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो इसका श्रेय, छिंदवाड़ा की अपनी पहचान का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आप सबको जाता है। छिंदवाड़ा को पास दिया, आप नकुल को भी देते रहेंगे, मैं तो पीछे रहूंगा ही, नकुल भी, नकुल को आप पकड़ के रखिएगा, आपका काम ना होए तो इसके कपड़े फाड़िएगा। तो अंत में तो मैं यही कहना चाहता हूं, इतना पुराना संबंध आप सबसे रहा, मैंने तो छिंदवाड़ा जिले को अपनी जवानी समर्पित कर दी। आज छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है, छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है। अभी मैं आ रहा हूं खंडवा के एक हरसूद क्षेत्र से, सुबह मैं मऊ में था,
उसके बाद मैं हरसूद खंडवा के हरसूद क्षेत्र में था और वहां के लोगों की पुकार थी कि आप ये कह दीजिए कि आप हरसूद को छिंदवाड़ा बनाएंगे, आप कह दीजिए आप छिंदवाड़ा से जोड़ लेंगे, आप तक वोट और मांगिएगा आपको वोट मिल जाएगी। मैंने कहा कि छिंदवाड़ा का तो अपना स्थान है, अपना स्थान है, और ये प्यार और विश्वास जो मुझे मिला है ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जब मैं संसद में बैठता हूं, दाएं देखता हूं बाएं देखता हूं, कितने सारे सांसद हैं वहां, वो तो वोट लेके आए हैं। जब मैं बैठता हूं, मैं वोट लेके नहीं आया, मैं आपका प्यार और विश्वास लेके आया हूं। ये अंतर हमेशा मुझ में और इनमें रहा है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं। आज मुझे उम्मीद है कि पूरा पीपला जोन और 64 एक नया इतिहास बनाएगा, और जब गिनती होगी सबसे ऊंचा झंडा देश की संसद में हमारे 64 क्षेत्र का लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती आज मनाई गई। इस अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा बाबा साहब के स्मारक के समक्ष कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाबा साहब की 128वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बुद्ध वंदना के पश्चात सभी ने बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बुद्ध वंदना होगी। समस्त उपासक उपासिकाओं से मेरा निवेदन है कि जो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो दुर्यम्पि धम्मं शरणं गच्छामि दुर्यम्पि तत्यम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तत्यम्पि धम्मं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में संविधान को और आत्मसमर्पित करते हैं। तो हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दोहरा कर यह संकल्प लिया कि हम जो बिछुआ विकास खंड से बीओ साहब है वह भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसा मैं उन्हें निवेदन करता हूँ। त्रिरत्न पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इस देश के तमाम उपासक उपासिका भीम सैनिकों से यह निवेदन करता हूँ कि हम बाबा साहब के बताए मार्ग पर चले। बाबा साहब के जयंती समारोह में शिरकत कर युवा नेता नकुल नाथ ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाबा साहब अम्बेडकर।
हमारे बीच माननीय नकुलनाथ जी आगमन हो रहे हैं, उपस्थित हुए हैं, निवेदन है कि वह भी मंत्र अपना स्थान ग्रहण करेंगे। लोकसभा निर्वाचन 2019 और छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए सारी तैयारियां अब अंतिम चरण पर है। एनआईसी कक्ष में आज जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नवाज शर्मा की मौजूदगी में सेकंड रैंडमाइजेशन प्रक्रिया संपन्न कराई गई। छिंदवाड़ा जिले में दिनांक 29 अप्रैल 2019 को वोट डाला जाना है और इससे संबंधित अभी नाम निर्देशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, नाम निर्देशन वापस लेने की भी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम अंतिम हो गए हैं और मतपत्र छपने के लिए भेजे जा चुके हैं। अभी तक चुनाव तैयारियों में मतदान दल का प्रथम एवं द्वितीय प्रशिक्षण हो चुका है, जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं उनका भी प्रशिक्षण हो चुका है, ईवीएम का द्वितीय रैंडमाइजेशन आज दिनांक 14/4/2019 को हुआ है, पोलिंग पार्टी का भी द्वितीय रैंडमाइजेशन आज दिनांक 14/4/2019 को हो गया है। स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत हम लोगों ने प्रत्येक मतदान केंद्र में मशीनों का BUCU और VVPAT का भ्रमण कराया है, जिसमें अधिक से अधिक मतदाता उसके प्रति जागरूक हो सके। साथ ही साथ जो स्वीप आइकॉन है उनका भी भ्रमण हम लोगों ने जिले में कराया है, जिंगल का निर्माण कराया है, विभिन्न प्रकार के रन फॉर डेमोक्रेसी, मैराथन दौड़, फुटबॉल मैच इत्यादि का आयोजन भी किया गया है और इससे ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि छिंदवाड़ा ज़िले के जो युवक हैं, जागरूक मतदाता हैं, जो बुजुर्ग मतदाता हैं, महिलाएं हैं और क्या नाम है, दिव्यांग हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उन सभी को इस बात का संदेश दिया गया है कि अधिक से अधिक वोट करके इस प्रजातंत्र को और मजबूत बनाने का प्रयास करें। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने एक फैशन शो का आयोजन किया था जिसमें भारी संख्या में लोग आए थे और उसके फैशन शो के माध्यम से भी हम लोगों ने मतदाताओं को जागरूक बनाने का प्रयास किया था, सेल्फी पॉइंट भी हम लोगों ने बनाए हैं। इस तरह से हम लोगों ने समग्र रूप से स्वीप गतिविधियों को संचालित किया है और उसके अंतर्गत हम लोगों ने मतदाताओं को अधिक से अधिक वोट अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया है। कुल जिले भर में 15,12,369 मतदाता हैं और 1943 बूथ हैं, जिसमें 339 क्रिटिकल बूथ बनाए गए हैं, जिसमें सभी में सीसीटीवी कैमरा, वेबकास्टिंग और माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति होगी और जो हम लोगों को 8 कंपनियां मिल रही हैं CPF और SF की, उन सभी का जो डिप्लॉयमेंट प्लान है वो भी बनाया जा चुका है और वो सभी गतिविधियां जो क्रिटिकल बूथ हैं उसमें हाफ सेक्शन पुलिस के लगाने का हम लोगों का प्लान है। इस तरह से कुल मिलाकर के हमारी तैयारियां लगातार चल रही हैं, जैसे जैसे जिस जिस चरण में जो जो भी गतिविधियां किया जाना है वो सब संपूर्ण गतिविधियां हम लोगों के द्वारा की जा रही हैं और 29 तारीख को जिस दिन मतदान होगा उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं और आशा है कि सभी मतदाता आपसी भाईचारे से, शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष रूप से और ट्रांसपेरेंसी से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। धन्यवाद। SC ST OBC संगठन द्वारा बाबा साहब की जयंती के अवसर पर नगर में वाहन रैली निकाली गई और जयंती पर शुभकामनाएं दी गई।
पाटनी पेट्रोल पंप के पास दो युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पैदल आ रहे थे, अलकट ऑफिस के जस्ट सामने अचानक से लड़के लोग आए और उन्होंने, हम पैदल जा रहे थे तो उन्होंने क्या मेरा चश्मा उतारने की कोशिश करा, तो मैंने उसको बोला सिंपल सा, मैंने बोला फोन क्या है करके, तो उसने अचानक बोलते क्या क्या घूर के देख रहा करके मेरे ऊपर हाथ उठा दिया उसने, तो इसी बीच में विवाद हो गया। कितने लोग थे वो? वो दो लोग आ रहे थे और उनके फिर साथ में फिर बहुत सारे लड़के लोग। कहाँ से हमला किया उन्होंने? उन्होंने कटल से किए होंगे, पता नहीं चल पाया सर। कुछ धारदार हथियार था? हाँ धारदार हथियार था। हाँ धारदार हथियार था। कितने लोगों ने मारे आपको? दो लोग। उनको पहचानते आप? उनको कभी देखा नहीं मैंने। कहाँ की घटना है ये? अलका डॉक्टर के जस्ट सामने। आप कितने लोग थे? हम दो लोग थे। दोनों को मारे? हाँ। कहाँ से लौट रहे थे आप? सर उधर चारपाई साइड से आ रहे थे। रैली खत्म करके आ रहे? रैली खत्म करके आ रहे थे और फिर काम से उधर से वापस आ रहे थे पैदल पैदल। कई लोग वहाँ पर खड़े थे और इनकी धुमा जगती हो रही थी और मेरा बिल बचाव होने पे मेरी भी शर्ट वगैरह फट गई है और भाई मेरा लग गई थी तो मैं इधर लेकर आया। कहाँ की घटना है ये? अलगा टाकिज के पास। अस्पताल में सूचना मिली कि एक व्यक्ति को दो अज्ञात लड़कों ने चाकू मार दिए हैं। इस सूचना पर अस्पताल में व्यक्ति पहुंचा था। घायल नितेश भावरकर साकिन गांवला पिछुआ का रहने वाला है, वो अलका टाइज के आगे चौक में उसके साथी के साथ खड़ा था, तभी एक पल्सर मोटरसाइकिल से दो अज्ञात लड़के आए, वाद विवाद कर चाकू से बाएं तरफ असली मारे उसे, सिंपल साधारण सी चोट लगी है, उसको मुआवजा कराया गया। अज्ञात आरोपी भाग गए जिनकी पता साझी की जा रही, सीसीटीवी मदद की जा रही, झगड़े का विस्तृत कारण जांच की। कितने लोग थे? मारपीट करने वाले दो लड़के थे और एक लाल रंग की पल्सर गाड़ी से रेलवे स्टेशन तरफ गए। कितने लोग? ये दो लड़के यहाँ खड़े थे, एक इसका साथी जो इंदौर का रहने वाला है फोन करके बुलाया था, तो वैसे वो पहुँचा था उस टाइम में वहाँ झगड़ा हुआ, तो ये इंदौर वाले लड़के ने बीच बचाव किया तो इसे भी मामूली सी चोट आई। छिंदवाड़ा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लाखों की बाइक्स बरामद हुई है।
जानकारी लगी थी कि छोटी हटेरी थाना नैनपुर जिला मंडला का रहने वाला कन्हैया मरकाम अपने साथियों के साथ मिलकर मोटरसाइकिल की चोरी कर रहा है, जिसे थाना कोतवाली की पुलिस के द्वारा पकड़ा जाकर गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल, एक डिस्कवर कंपनी की, एक पल्सर कंपनी की और एक विक्रांत कंपनी की, 3 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और आज आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसके जो अन्य साथी हैं वो फरार हैं, फिलहाल उनकी तलाश जारी है और उनके साथियों के मिलने पर अन्य मोटरसाइकिल के बरामद होने की संभावना है। कितने साथी फरार हैं इसमें? इसके 2-3 साथी फरार हैं बता रहा है, उनका नाम का खुलासा हम नहीं करेंगे ताकि हमको आरोपी को पकड़ने में कोई परेशानी न हो। मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन छिंदवाड़ा इकाई की मासिक बैठक आज संपन्न हुई। पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपनी मांग पूरी होने पर मुख्यमंत्री कमलनाथ का आभार माना है। पेंशनरों को तोहफा दिया है और इसके लिए हम तहे दिल से छिंदवाड़ा जिले के पेंशनरों के साथ ही मध्य प्रदेश के पेंशनर एसोसिएशन के समस्त पेंशनर उनको तहे दिल से उनका अभिनंदन करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। लोकसभा प्रत्याशी नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री को धन्यवाद प्रेषित करने जल्द से जल्द शिकारपुर जाके अपना धन्यवाद प्रस्ताव देंगे। माननीय कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में दर्शाई है, उसमें सबसे बड़ी यह है कि पेंशनरों को केंद्रीय पेंशनरों के समान 1000 रुपये चिकित्सा भत्ता दिए जाने का उल्लेख है। उसी के साथ 80 साल के स्थान पर 70 साल की उम्र होने पर 20% की बढ़ोतरी करने का भी उल्लेख किया हुआ है। और साथ में हमारा जो 27 माह का एरियस युवराज सरकार के समय पेंडिंग है, उसे भी उन्होंने 4 किस्तों में प्रदेश के पेंशनरों को देने का वचन किया है। आज की बैठक का प्रमुख एजेंडा यह है कि जो मध्य प्रदेश के पेंशनरों का 4% महंगाई भत्ता लंबित था, जबकि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने त्वरित गति से चुनाव आयोग की रोक हटाने के बाद 11 अप्रैल 2019 को 4,65,000 पेंशनरों के लिए 4% महंगाई भत्ते का तोहफा प्रदान किया, जिसके लिए मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के समस्त साथीगण, साथी छिंदवाड़ा जिले के पेंशनर माननीय कमलनाथ जी का तहे दिल से स्वागत करता है और अभिनंदन करता है। साथ ही उन्हें इसका अभिनंदन करने के लिए, उन्हें धन्यवाद देने के लिए उनके निवास शिकारपुर में हमारे सांसद प्रत्याशी नकुलनाथ जी को धन्यवाद देने और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने शिकारपुर जाएंगे। वहां समूह के रूप में पेंशनर उपस्थित होकर उन्हें धन्यवाद और उनका अभिनंदन करेंगे। स्वर्गीय श्री शालिग्राम विश्वकर्मा अवार्ड्स के लिए 10 अप्रैल से 30 मई तक ऑडिशन प्रक्रिया प्रारंभ है। अवार्ड सेरेमनी 15 जून को आयोजित होगी। Thank you.
बाबा कमली वाले रहमतुल्ला अलैह के सालाना उर्स में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ग्लोबल नेटवर्क के संचालक अशोक चौकसे की जानिब से शरबत तकसीम किया गया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम हिंदुस्तान हमारा। अशोक चौक से जो ग्लोबल नेटवर्क के संचालक हैं हजरत बाबा कमली वाले बाबा के उर्स में हर साल दो दिन से या शरबत आजम का शरबत पिलाया जाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी प्रसाद के रूप में शरबत ग्रहण करते हैं। ये 55 सालों से अशोक चौक से फिरोज खान, दिलीप सुहागपुरे, मुंडा चौक से जेड अली साहब के सहयोग से ये कराया जाता है। ये ग्लोबल नेटवर्क के संचालक अशोक चौक से द्वारा ये शरबत हमेशा 55 सालों से बांटा जाता है। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्ले ग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क चांद रोड बिजली पावर हाउस के सामने सारसवाड़ा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। जिले का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल शहर के बीचों बीच शांत एवं सुरम्य वातावरण के बीच स्थित लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल, जहां आप पाएंगे अपने घर जैसी सुविधा अपने घर जैसे माहौल के बीच। लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल 24 घंटे पानी एवं बिजली की सुविधा, पीने के पानी हेतु आरओ की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त फर्नीचर, नव निर्मित इमारत, पढ़ाई के लिए शांत वातावरण, बाइक स्टैंड एवं पार्किंग की सुविधा, सोलर गीजर द्वारा गर्म पानी की सुविधा, वाईफाई की सुविधा के साथ साथ पूर्णता वातानुकूलित रूम एवं प्रशिक्षित कुक द्वारा स्वादिष्ट भोजन के साथ मेज की सुविधा। तो आइए, आपका स्वागत है जिले के सबसे बड़े और सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल में, लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल परासिया रोड साईं मंदिर के पीछे वार्ड नंबर 45 छिंदवाड़ा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा, और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर स्वर्ग सा जहां, 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन,
स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग। श्री राणा मैरिज लॉन के साथ स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 2322244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स, यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड, हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साई कैटरर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनावी तारीखें नजदीक आ रही हैं, लिहाजा राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार और जनसंपर्क की गति बढ़ा दी है। पूर्व सांसद अलकानाथ ने परदला क्षेत्र में महिला कार्यकर्ताओं की बैठक ली और क्षेत्र में जनसंपर्क भी किया। मैं इस पुलवामा में हुए शहीदों को तहे दिल से नमन करती हूं और इस भाइयों उस पर भी, ये बीजेपी वाले जो है ना उस पर भी राजनीति करने से दूर नहीं हो रहे हैं। ये तो हमारे देश के भारतीय जो नौजवान सैनिक है ना उन्होंने किया है। आप क्यों इसका झूठा श्रेय ले रहे हो? ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। जनता जनार्दन परेशान होती है, मंडी में इतना ट्रैफिक हो जाता है कि रोड में पैदल निकलना दूभर हो जाता है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की ही देन है कि आज सब्जी मंडी की रोड ले या तो कुकड़ा जगत की रोड। कांग्रेस ने इसके लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था एक जमाने में, लेकिन भाजपा की सत्ता के कानों में जू नहीं रहेगी। भाजपा ने कभी जनता जनार्दन के बारे में नहीं सोचा, नगर निगम ने कभी नहीं सोचा कि रोडें खराब हैं, लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी को जनता का दुख दर्द दिखता है, जनता की समस्याएं दिखती हैं। आप लोग देख रहे हो कुकड़ा की रोडों का आज क्या हाल है, कितनी अच्छी रोडें बना दी गई हैं और मंडी में बड़ी रोड बन रही है। ये आदरणीय कमलनाथ जी की सोच है। साथियों, पूरे भारत में ऐसा सांसद, माननीय कमलनाथ जी जैसा सांसद मेरी नजरों में तो कहीं नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन के बारे में सोचते। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। समस्त बहनों से मेरा अनुरोध है कि सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज के इस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ और महिला कांग्रेस सम्मेलन में आदरणीय हमारी पूर्व सांसद श्रीमती अलका भाभी जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सब लोग ताली बजाकर हमारी लाडली पूर्व सांसद अलका नाथ जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें।
ये हमारी सपना वर्मा जी है, हमारी नगर भाई है। विनोद सुमन जी इधर जाए। समय समय पे पंचायत, ये हमको नेता नहीं मिला है, हमको हमारे परिवार के मुखिया के रूप में जो काम करते हैं वो मिला हुआ। अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए स्वागत बेला के निशा उपाध्याय, सुरोचना भाईकर, सुनीता राजपूत, आशा कुमरे, श्यामा सराठी और निर्मला सिंह, सपना वर्मा, मत्स्य पाटिल, इनको आमंत्रित करूंगा। आमंत्रित करूंगा, किसी का स्वागत करें। नीरज वर्मा नगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत करेंगे। चलो सपन दीदी का कलावती बस्तर भी स्वागत करें। मीना कुशवाहा, मीना सूर्यवंशी, मीना को नगर से भार्गव मैडम स्वागत करेंगे। प्रियंका उनके स्वागत करेंगे। स्वागत करो, तुमने कर लिया। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने चंदनगांव क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया। जिस चुनाव में जैसे पिछले चुनाव में सब लोगों ने मिलकर एक साथ काम किया था, इस बार भी उस मेहनत को डबल करना पड़ेगा और उससे अपनी लीड डेफिनेटली बढ़ेगी। आपको दिलवानी पड़ेगी सब तो बिल्कुल ये इस बार मेहनत बड़बन में चोरों ने सूने आवास को निशाना बनाया। सुबह जब काम करने वाली बाई सफाई करने आई तब उसने ताले टूटे देखे और पड़ोसियों को खबर की। डीपीआर ले गए ना, डीपीआर ले। गोविंद राव पाठक का मकान है ये, इसमें 3 महीने से बाहर गए हुए हैं और सुबह बाई आई तो उसने देखा कि पूरा खुला हुआ है मकान, तो उसने फिर हल्ला मचाई तो पता चला कि यहाँ शायद चोरी हो गई है। ताले टूटे पड़े थे, पूरा घर का सामान बिखरा पड़ा हुआ था। पुलिस पुलिस आई और फिर उन्होंने अपना काम किया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ, अभी डॉग स्क्वाड नहीं आया, अभी फिंगरप्रिंट वाले आए थे। मसीह समुदाय ने आज पाम संडे पर प्रभु आराधना की। इस अवसर पर फवारा चौक में प्रार्थना कर खजूर की डालियां हाथ में लेकर रैली निकाली गई।
कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए जीवन में किया है उसमें हम आकर के इन बातों को तय करते हैं। अब हमारी तीनों मिनिस्ट्री आ गई है, हमारी इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री भी आ गए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से हम पवित्र कलीसिया के साथ पुण्य सप्ताह में प्रवेश करते हैं। आज की घटना में भी हमें इस पवित्र घटना की याद दिलाती है जब प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और हाथों में खजूर की डालियां लिए उनका स्वागत करते हैं तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए जुलूस निकालते हैं। आज की धर्मविधि के मुख्यतः दो भाग हैं। पहला खजूर के साथ जुलूस और दूसरा पवित्र मिस्सा बलिदान। समय के लिए जो है पास्का का समय और उसके बाद पुनरुत्थान का समय। हम सब ने अपने जीवन में कई बार अलग अलग प्रकार के जुलूस में भाग लिए होंगे, शादी का जुलूस हो या तीर्थ स्थान का या फिर कोई राजनीतिक जुलूस। सुंदरकांड ग्रुप ने रामनवमी पर विशाल भंडारे का आयोजन किया। ग्यारह अप्रैल को श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया था जो कि तीन दिवसीय था। 11 अप्रैल को सुबह प्रातः 9 बजे से प्राण प्रतिष्ठा की गई, फिर उसके तत्पश्चात शाम को 6 बजे से विशाल राम जन्मोत्सव विशाल रैली का आयोजन किया गया। उसी के तत्पश्चात 12 अप्रैल को प्रातः 9 बजे से अखंड रामायण का आयोजन किया गया जो कि राम जन्मोत्सव 13 अप्रैल के दिन दोपहर 2 बजे तक चला। उसके तत्पश्चात शाम को श्री राम जन्मोत्सव की महाआरती विशाल महाआरती की गई और साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें सभी श्रद्धालु उपस्थित रहे। एवं मैं सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि सभी श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा हमारे द्वारा निःशुल्क सुंदरकांड का महापाठ किया जाता है। सभी से निवेदन, जिसे भी सुंदरकांड का महापाठ कराना हो हमसे संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुण्य लाभ कमावे। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा, जय श्री राम। बुधवार स्थित शैलपुत्री माता मंदिर में रामनवमी पर आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने माँ का प्रसाद ग्रहण किया। जब सब कुछ हो गया ना, हम लोग मंदिर में जाके करते हैं और काम पूरा कर रहे हैं।
श्री रामनवमी पर्व के अवसर पर 13 अप्रैल की शाम नगर की पावन धर्मस्थली छोटा बाजार श्री राम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। चैत्र नवरात्रि पर पूरे 9 दिनों की व्रत आराधना और अनुष्ठानों के पश्चात माता मंदिरों में स्थापित मनोकामना कलश जवारे विसर्जन को निकले। संतोषी माँ दरबार गुलाबरा कांच मंदिर से आज जवारे विसर्जन को निकले विसर्जन शोभा यात्रा में झांकी आकर्षण का केंद्र थी। Oh,
तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। सीरियल की सुर्खियां एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। सूबे के मुखिया कमलनाथ ने पुत्र नकुल के साथ पीपला नारायण बांध में ली जनसभा, जन सैलाब देख बढ़ा उत्साह। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, बुद्ध वंदना कर अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का सरगना गिरफ्तार, लाखों की बाइक्स हुई बरामद। और ढोल गाजे बाजे के साथ विसर्जन को निकले जवारे, भक्ति की शक्ति के सामने फीकी पड़ी धूप की तपेश। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।